गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर एम बैक विद माय अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस एज यू सी टू एम गोइंग टू डू अनबॉक्सिंग ऑफ अ मेचर प्रोडक्ट सो देखते हैं कि कैसे निकल रहे प्रोडक्ट और हर बार की तरह मुझे इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम निकलता है कि नहीं जो मैंने मंगवाया so, सो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बिकॉज लाइक uh, like, um, नाइन्टी सेवन परसेंट लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट उन्होंने सेवन सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो तो so, गाइस मैंने एक कैप ऑर्डर की थी आप देख सकते हो जैसे कि तो आ, ये आ, आ, थोड़ा सा जो विजिबल नहीं हो रहा है ना तो मैं एक बार कर देती हूँ गाइस आप देख सकते हो प्राइज इसका सेवन है ये वन साइज ही अवेलेबल अविल, थी आ, ये देख सकते हो आप ये ड्रेस पेरी कंपनी सॉरी ब्रांड है ये ड्रेस पेरी उसकी है ये साइज़ का भी वहाँ पे लिखा होता आप देख सकते थे तो ऐसी पूरी वुलन की है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आ, सम कैप्स होती हैं जिसके अंदर ना फ्लर लगी होती है और वो ज़्यादा अच्छी होती है और वाम देती है विंटर्स में तो सी की वैसी निकलती है कि नहीं मुझे डाउट है थोड़ा सा मे बी वहाँ पे थी या नहीं थी ऐसा कुछ तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छी लगी और आप बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी हैज़ आई टोल्ड अर्लियर दैट दिस इज़ अ ट्रेस पेरी प्रोडक्ट तो गाइज़ ये सेवन हंड्रेड की लेकिन मुझे इतने में नहीं पड़ी है बिल में भी मैंने आपको दिखाया है नहीं दिखाया uh, नहीं दिखाना है आप बिल है राइट right? तो बिल देख लेते हैं हम एक बार गाइज़ बिल ब्लर हो रहा है यस yes, गाइज आप देख सकते हो कि ये मुझे टू फिफ्टी yeah. मुझे इतना नहीं याद कि गाइस होता है ना कि कितने सारे पेमेंट करनी होती है कि मंगवानी होती है तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा भूल जाती हूँ तो एक बार अगर आपको नहीं दिखा होगा तो मैं इसकी ना पिक्चर यहाँ कहीं पर अटैच कर दूँगी तो गाइस देखते हैं कि अभी इसकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की तो गाइस इसके नेवी ब्लू कलर है नीचे और आ, जो पीक पर है वो भी नेवी कलर है उसमें बीच में ग्री आ, क्रीम कलर है और वो रेडिश चेरी कलर है कंट्रास्ट तो अच्छा है साइज़ देख सकते हो कि भी कितना ज़्यादा बड़ा है और ये चीज़ है ये ऐसे फोल्ड हो सकती है तो ये ऐसे साइज़ में बन जाएगी ये लाइक वन हैंड और टू फिंगर्स ज़्यादा हैं इस साइज़ का कैप है स्ट्रेचेबल कैप है और ये कोई डिफेक्टिव भी नहीं है साइड पर यहाँ ड्रेस पर ही उन्होंने अपना टैग लगाया हुआ है स्ट्रेचल लगा है। जितनी आप स्ट्रेच करोगे उतनी स्ट्रेच हो जाएगी लेकिन मुझे काफ़ी बड़ा साइज़ लगा था आ, मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए तो ज़्यादा बड़ा था साइज तो विल सी ही किसी के काम आ जाएगी घर पर ये वुलन भी जो है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है इन्होंने हाँ ओवरऑल तो मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट भी हाँ वर्थ टू बाय है तो वैसे ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बाय बाय टेक केयर